सो वेलकम है गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। फैंटम 1100 मेरे पास आ चुके हैं, थोड़ा लेट हो गया और आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे क्या कुछ खास मिलता है। यहाँ पे विंग्स की तरफ से आते हैं और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, जैसे कि इसमें 60 आर का प्लेबैक टाइम मिलता है। आपने पहले ऐसे नहीं सुना होगा, जो गेमिंग नेक बैंड्स हैं उसमें इतना बड़ा जो इतना ज़्यादा यहाँ पे जो रन टाइम वो अवेलेबल कराया गया है। इसमें LED लाइटनिंग्स भी यहाँ पे दी गई है और साथ में यहाँ पे आपको 5.2 ब्लूटूथ वर्जन मिलता है, जो कि बहुत ही बेटर है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फोकस आई गेस नहीं हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं आपको इसमें। और ओवरऑल यहाँ पे जो इसका प्राइसिंग है वो 3000 रुपीज़ रखा गया, बट ये आपको बहुत कम दाम में मिल जाएंगे। मैंने तो इनफैक्ट इसको सिर्फ 970 रुपीज़ में बाई किया है। यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हो जाके। ENC माइक का सपोर्ट मिलता है, 40 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है, LED लाइट्स मिल जाती हैं, ब्लूटूथ 5.2 का ऑप्शन है और प्ले टाइम 60 आवर्स का है। टाइप सी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। जब अगर मैं अनबॉक्सिंग की बात करूं, क्योंकि मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूं ऑलरेडी, तो सीधे हम अपने प्रोडक्ट पे चलते हैं और देखते हैं कैसी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, क्या खास मिलता है या बेकार है ये बिल्ड क्वालिटी में। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, लो प्राइसिंग आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। सो गाइस, इस तरीके का लुक मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पे विंग्स की ब्रांडिंग है एक तरफ, और एक तरफ आपको यहाँ पे जो कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं, और नेक्स्ट प्रीवियस है, प्ले पॉज का ऑप्शन मिल जाता है, और ये LED लाइटिंग एक तरफ मिलती है। यहाँ पे आपको LED लाइटिंग नहीं मिलती जहाँ पे विंग्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको ये बूस्टर मोड मिलता है जहाँ पे आप गेमिंग मोड में एंटर कर जाते हो, और ये लाइट आपकी कंटिन्यू जलती रहेगी जब आप गेमिंग मोड में एंटर कर जाओगे। और ये आपको टाइप सी जो है चार्जिंग के लिए केबल का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है वैसे ही। और गाइस कहना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, जो उतना क्लिक ही नहीं है, मतलब बिल्ड क्वालिटी उतनी मेरे को अच्छी नहीं लगी, देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा फ्लिमजी सा लग रहा है ये, और प्लास्टिक क्वालिटी भी उतनी खास नहीं है। तो उस हिसाब से मतलब जिस प्राइस में लॉन्च हुए हैं तो उस हिसाब से इन्होंने पैसे बचाने की कोशिश की है। यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको दिखता है, देख सकते हो अभी मैं प्रॉपरली ड्यूल यहाँ पे ड्राइवर्स यूज़ करे गए हैं, बट ड्यूल ड्राइवर यूज़ करने के बावजूद भी इसकी जो साउंड क्वालिटी मेरे को बहुत ही ज़्यादा रबिश लगी, बेकार लगी। और बेस तो है ही नहीं, मतलब सिर्फ ट्विटर ही इसमें मिलता है आपको, बट ये जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी वायर की बहुत अच्छी है, यहाँ पे ये जल्दी टूटेंगे नहीं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे ये कनेक्टिंग वो मिल जाते हैं, और ऊपर की साइड से आपको कनेक्टिंग वो नहीं मिलती जिसकी वजह से ये उसमें रहेगा, मतलब ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे भी देना चाहिए था इस तरीके से रबर वाला टाइप का स्ट्रक्चर, और एक एंगल पे टिल्ट किए गए जिसकी वजह से कानों से गिरते नहीं, ये तो सही बात है। बट यहाँ पे इधर पीछे की साइड भी आपको LED लाइटिंग मिल जाती है, और इधर भी आपको LED लाइटिंग मिल जाती है। तो चलते हैं, मैं आपको साउंड सैम्पल भी इसका सुनाऊंगा, बट यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे इसको आपको होल्ड करके रखना है, ये पावर वाली बटन है जो, और यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ये देख सकते हो लाइट्स यहाँ पे ऑन हो गई है, और यहाँ पे ऑन हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है कि ये ऑन हो चुका है। और उसी के साथ साथ जैसे गेमिंग मोड में जाते हो, तो गेमिंग मोड के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको टैप करना है एक बार, ये देखो गेमिंग मोड में जा चुका है यहाँ पे, ये LED लाइटिंग कंटिन्यूस जलती रहती है, इसमें जल रही है और साथ में इसमें भी जलती है, देख सकते हो आप, ब्रीदिंग LED यहाँ पे शो होती है इस तरीके से, तो थोड़ा सा कूल लुक आता है डेफिनेटली। बट यहाँ पे इधर की साइड कोई भी लाइटनिंग नहीं दी गई है, ये सिर्फ आपको राइट साइड में मिलती है लाइटनिंग, लेफ्ट साइड में आपको लाइटनिंग नहीं मिलती है। तो एक काम करते हैं, आपको इसका जो साउंड सैंपल है उसको सुनाते हैं, देन हम देखेंगे क्या इसकी मतलब मतलब साउंड क्वालिटी है। बिल्ड क्वालिटी तो मेरे को 10 में से 5 ही देना चाहूँगा, बिल्ड क्वालिटी मेरे को बहुत ही इसकी रबिश लगी। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने ब्लूटूथ मेन्यू पे, और इसको कनेक्ट करते हैं, फैंटम 1100 कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो चुका है, 90% बैटरी है और कनेक्ट हो चुका है ये। अब एक काम करते हैं, हम सॉन्ग को सुनते हैं डायरेक्टली, राइट, मतलब आप सुनना सॉन्ग को और मेरे को बताना क्या साउंड क्वालिटी आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, राइट। सो गाइस, जैसे कि आप सबने देखा, यहाँ पे बेस है ही नहीं बिल्कुल भी, आई डोंट नो यहाँ पे क्या किया गया क्या नहीं किया गया। और यहाँ पे गेमिंग मोड में ऑन करता हूँ, यहाँ पे ये ऑन हो चुका है, उसके बाद अगर हम प्ले करते हैं यहाँ पे, क्या साउंड में कुछ इफेक्ट चेंज आता है कि नहीं आता वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक बार। तो गाइज आई डोंट नो यहाँ पे हल्का सा भी कुछ डिफरेंस है कि नहीं, बट यहाँ पे मैं आपको कंट्रोल दिखाना चाहता हूँ कैसे इसके कंट्रोल्स वर्क करते हैं, और यहाँ पे ये रहे इसके कंट्रोल्स। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे मैं ये प्लस को होल्ड करके रखता हूँ, तो यहाँ पे प्ले हो गया है। एक बार टैप करते हैं, वॉल्यूम बढ़ रही है, ये वॉल्यूम कम हो रही है, राइट। अगर आप मतलब बार बार दबाते तो वॉल्यूम कम होगी, और यहाँ पे इसको टैप करते हो बीच वाले को तो प्ले पॉज हो जाता है ये, राइट। और यहाँ पे अगर आप होल्ड करके रखते हो तो मेरे ख्याल से जो माइनस वाला है अगर होल्ड करके रखते हो तो आपका प्रीवियस सॉन्ग लग जाएगा, देख सकते हो ये प्रीवियस लग गया है। और नेक्स्ट के लिए आपको यहाँ पे ये नेक्स्ट लग जाएगा आपका, ये नेक्स्ट लग गया, ये नेक्स्ट लग गया। तो कंट्रोल्स तो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, बट ये गेमिंग मोड मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। इवन मैंने गेम खेल के भी देखा है यहाँ पे जो लैग है वो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, 2 से 2.5 सेकेंड का लैग आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आई डोंट नो यहाँ पे गेमिंग हेडसेट बनाए गए या एक चीप क्वालिटी के कह सकते हो जो हेडसेट से उसको बनाया गया है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे पैसे बचाए गए हैं इसमें विंग्स की तरफ से। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता अगर आप इसको बाय कर रहे हो फैंटम 1100 को, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करता, आप इसकी जगह कोई और ले सकते हो। फैंटम 1000 भी इससे अच्छे हैं, फैंटम 1100 उतने अच्छे हैं नहीं। तो यही था मेरा रिकमेंडेशन, इसको मत लीजिएगा। अगर आप देखना चाह रहे हो तो बोट के आप चेकआउट कर सकते हो, वो भी अच्छे हैं, बट ये वाले डेफिनेटली रिकमेंडेबल नहीं है। तो ये था मेरा एक सिंपल सा रिव्यू और एक अनबॉक्सिंग। अगर आपका क्वेरी इन नेकबैंड के रिलेटेड कुछ और भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।